रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और यह फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद भी आ रही है और साथ ही फिल्म का कलेक्शन भी फिल्म के रिव्यू सभी बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है। इस बात को लेकर रानी मुखर्जी भी बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं। साथ ही आज मुंबई में रानी मुखर्जी मीडिया से बातें की और अपने डेब्यूटेंट डायरेक्टर गोपी और डेब्यूटेंट एक्टर विशाल को भी इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि इनके बिना हमारी फिल्म अधूरी थी। Because of media, more and more such cases get reported. And when it came to choosing the subject, I almost think that I didn't have a choice. I grew up in a household, mostly there were women. I lost my dad early, so my sister and my mother were there. So when it comes to women and what they face on an everyday basis, bhale wo discrimination ho, या द पेरल्स दैट दे गो आउटसाइड एंड फेस, बहुत करीब से देखा है। सो जब ये ऐसा माहौल और ऐसे जब खबरें मैं सुनता गया ना, तो एज एन आर्टिस्ट आई फेल्ट कि यार एक कहीं तो मुझे एक अपनी बात अपनी तरीके से रखनी है लोगों के सामने। मैं जब उनके पास जा रहा था, मैम खड़े हुए थे और मैम ने मुझसे हाथ मिलाया था, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लगा और मैं काफ़ी हद तक मैं डरा हुआ था और मैम ने मुझसे हाथ मिला के मुझे कहा कि वी विल बी फ्रेंड्स ऑन सेट। तो ये वर्ड, ये सेंटेंस ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मेरा सारा डर हटा दिया। बट यहाँ डर ख़त्म नहीं होता, मैम के साथ जब फाइट सीक्वेंस कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था सिर्फ मुझे ही पता। रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा मिला है और सबसे अच्छी बात और अच्छी रिस्पॉन्स ये है कि जो मैंने इस फिल्म के से मैं ये कहना चाहती थी कि नो फॉर विमेन टू गेट स्ट्रॉन्गर, नारी शक्ति का जो मैंने जो प्रदर्शन किया है फिल्म में, वो जो मैं सब मेरी बहनें, मेरी जो फ्रेंड्स है, जो इतनी सारी देश की हमारी जो महिला है, उन तक ये जो बात पहुंची है नारी शक्ति की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो रिस्पॉन्स मैं देख रही हूँ कि हर लड़की फिल्म देख के आके बोल रही है कि हाँ हमें भी जोश है, हमें भी मतलब इम्पावर्ड फील हो रहा है, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द मोस्ट हार्टनिंग एंड बेस्ट रिस्पॉन्स दैट आई कुड गेट। इस देश में शायद कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसको सेक्सुअल हरासमेंट या ईव टीजिंग ना झेलनी पड़ी हो। तो जब आपके साथ ऐसी घटना हुई बचपन में या टीनेज में, कभी आपकी लाइफ में से शिवाजी राव जैसा मोमेंट आया था? थप्पड़ मार दिया था मैंने, क्या आगे मतलब थप्पड़ सीधा। मैं बचपन से दुर्गा को देख के मैंने मतलब मैं बड़ी हुई हूँ, तो बचपन में ही जब भी ऐसा कुछ हुआ तो मैंने थप्पड़ मार दिया। कितने लोगों को मारा होगा? बहुत बहुत सारे बेटा, काउंट नहीं है। आज ही मतलब नासिक से आ रही हूँ, वहाँ पे जो वहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं सारे जो उनके विमेन ऑफिसर्स हैं उनको जाके मैं थोड़ा और जोश दूँ, तो वो मैं करते आ रही हूँ और करते रहूँगी। और अच्छा लगता है जब पुलिस फोर्स मुझे बुलाती है और उनके ट्रेनीज या उनके ऑफिसर्स को के साथ मिलकर उनके साथ बातचीत करके हौसला मतलब बढ़ाना हो, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही गर्व की बात है। और हम इंस्पायर करेंगे कि और भी लड़कियां आके फिल्म देखें, और मैं तो चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ तक ये फिल्म पहुँचे और रीच करे वो तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, बिकॉज़ ये फिल्म बनाई गई है उनके लिए, तो जितनी लड़कियाँ देखेंगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। थैंक यू।